हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की विषय गणित अध्याय 7 भिन्न प्रश्न 7.6 के सवाल नंबर 7 से हल करना सीखेंगे। आपकी पुस्तक में लिखा है बच्चों, देखो ध्यान से, नंदनी के घर से स्कूल की दूरी 9/10 किलोमीटर है। बच्चों, अब नंदनी क्या करती है, कुछ दूरी तो बस से यात्रा तय करती है और कुछ दूरी वो पैदल चलती है। तो नंदनी बस से की गई यात्रा कितनी, नंदनी के द्वारा 1/2 किलोमीटर, यानी आधा किलोमीटर वो क्या करती है, बस से चली गई। बाकी की दूरी क्या करती है, वो पैदल चलती है। तो हमारे सवाल ये पूछा है कि नंदनी पैदल कितना किलोमीटर चलती है, या नंदनी के द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बड़े सरल है, कुल दूरी कितनी है, 9/10 किलोमीटर, इसमें से बस से की गई यात्रा कितनी है, 1/2 किलोमीटर। तो कुल दूरी में से बस के द्वारा की गई यात्रा हम घटा देंगे, तो पैदल चली गई दूरी कैसे क्या करेंगे, कुल दूरी माइनस बस से की गई, बस से तय की गई दूरी। अब देखो बच्चों कैसे क्या करेंगे, कुल दूरी कितनी है, 9/10 किलोमीटर, इसमें से घटाएंगे 1/2 किलोमीटर। आपको बता रखा है हरों को समान करके कर लो, ये 9/10 इसमें से घटाएंगे हम 1/2 किलोमीटर, राइट। तो देखो ये 10 और ये 2 है, इन हरों को समान कैसे करेंगे, यहां 10 है तो यहां भी 10 बनना चाहिए। कब बनेगा, जब इसको हम 5 से गुणा करेंगे, तो 5 में 10 हो गया, ये तो क्या बन गया, ये 9/10, ये 5 × 5 = 10, तो 9/10 माइनस का 5/10 बच गया। अब घटाएंगे हम, देखो बच्चों हमारे पास हर समान हो गया 10, तो 9 में से 5 घटाएंगे हम, 9 - 5 तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4 / 10 किलोमीटर बच गया। ये 4/10 को हम 2 से काटेंगे, 2 बार 2 से काटेंगे 5 बार, तो बराबर आ गया 2/5 किलोमीटर। इसका मतलब नंदनी के द्वारा पैदल चली गई दूरी कितनी प्राप्त हो गई, 2/5 किलोमीटर आ गया इसका आंसर। आप इसका एफ छोड़ लो, मैं आपको अगला सवाल नंबर 8 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, हमारे सवाल नंबर 8 में लिखा है, आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली दो अलमारियां हैं। बच्चों आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की दो अलमारी है, जिसमें वो क्या करती है, अपनी पुस्तकें रखती है, राइट। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है, आशा अपनी पुस्तकें अलमारी में रखती है तो अलमारी का 5/6 भाग पूरा पूरा भर जाता है, और सैमुअल अपनी अलमारी पुस्तकों में रखती है तो उसकी अलमारी पुस्तकों से 2/5 भाग भर जाती है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और कितनी अधिक भरी हुई है, ये हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो देखो आशा की अलमारी पुस्तकों से कितनी भरी है, 5/6 भाग भरी हुई है, हमारे प्रश्न में लिखा है। सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से कितनी भरी है, 2/5 भाग भरी है। अब हमें पता नहीं पड़ रहा कि इनमें से किसकी अलमारी का अधिक भाग भरा हुआ है, तो कम ज्यादा की पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, इन हरों को समान करेंगे। बच्चों देखो कैसे, आशा की अलमारी का
बराबर आप इधर देंगे कितना है, पांच बटा छह। इधर लिखेंगे शेमोल की, शेमोल की आलमारी का भरा भाग कितना बच्चों, ये लिखा है दो बटा पांच भाग। अब हम क्या कर देंगे, हरों को समान कर देंगे। मैंने आपको बता रखा भिन्नों में तुल्य भिन्न की पहचान या छोटी बड़ी भिन्न की पहचान करने के लिए इनमें कौन छोटी है कौन बड़ी है या दोनों बराबर है इसकी जांच कैसे करते हैं, हरों को समान करने पर। ये हर कितना है छह और यह हर कितना पांच, तो इस छह वाले को गुणा कर देना पांच से ऊपर नीचे और पांच वाले को गुणा कर देना छह से ऊपर नीचे। तो देखो बच्चों इसका आ गया पांच का पांच से गुणा करने पर पच्चीस, नीचे छह को पांच से गुणा करने पर तीस, राइट। इधर देखो छह को दो से गुणा करने पर बारह और पांच का छह से गुणा करने पर तीस। अब ये दोनों हर समान हो गए, राइट। इसका मतलब तीस में से पच्चीस भाग भरा हुआ है किसका, आशा की अलमारी का पुस्तकों से भरा हुआ कितना है, तीस में से पच्चीस भाग। और तीस में से ही शेमूल की अलमारी का भाग कितना भरा है, बारह भाग। तो आपको मालूम पड़ गया इन दोनों में से देखो दोनों का समान हो गया, तो ये पच्चीस है ये बारह है, तो पच्चीस वाला भाग ज्यादा होता है बारह वाले भाग से, ये बड़ी संख्या है, तो इसलिए हम लिखेंगे आशा की अलमारी का भाग अधिक भरा है। अब कितना अधिक भरा है हम ज्ञात कर लेंगे, 25 बटा 30 में से हम घटा देंगे बच्चों 12 बटा 30, तो 25 में से 12 कम कर लीजिए आप 13 बच जाएगा, बटा 30 वैसा का वैसा क्योंकि दोनों का समान है, तो 25 से 12 के 13 बच गया, नीचे समान है, तो 13 बटा 30 भाग आशा की आलमारी का भाग अधिक भरा है कितना, 13 बटा 30 भाग। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका अगला सवाल नंबर 9 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है कि जयदेव अपने स्कूल के मैदान का एक चक्कर लगाता है, दो सही एक बटा पांच मिनट में पूरा चक्कर लगाता है। राहुल मैदान का एक चक्कर लगाता है सात बटा चार मिनट में, तो इनमें से एक चक्कर लगाने में कम समय कौन लेता है उसका पता करना है कि कम समय कौन लगाता है और कितना कम समय लगाता है उससे। देखो बच्चों ध्यान देना, यहां पे देखो ये हमारे दो से एक बटा पांच मिनट है, इसको हम बदल देंगे साधारण भिन्न में, पांच दूनी दस रे ग्यारह, ग्यारह बटा पांच मिनट। तो हम लिखेंगे देखो जयदेव समय लेता है कितना, ग्यारह बटा पांच मिनट। सामने लिखेंगे राहुल समय लेता है, ऐसे हिसाब लगाना सीखो, मैदान के चक्कर लगाने में राहुल समय लेता है कितना, सात बटा चार मिनट। अब कौन कम समय में एक चक्कर पूरा करता है उसकी हमें जांच करनी है, तो हम हरों को समान करेंगे बच्चों। ये ग्यारह बटा पांच है और ये सात बटा चार है, तो पांच वाले हर को चार से गुणा करेंगे, चार वाले को पांच से गुणा, तो यहां चार से गुणा कर देंगे हम और यहां हम पांच से गुणा कर देंगे। अब देखो दोनों का हर समान हो जाएगा, ग्यारह चौके चौवालीस बटा बीस मिनट,
और यहां हो गया बच्चों 35/20 मिनट, राइट। तो देखो अपने आप ही मालूम पड़ गया, ये हर समान हो गया। अब अभी तुलना कर दी अंशों की, ये 44 मिनट, ये 35 मिनट, तो ये कम समय है, ये ज्यादा समय है। तो कम समय कौन ले रहा है? राहुल। इसलिए राहुल कम समय लेता है। अब कितना लेता है वो हम ज्ञात कर लेंगे बच्चों। 44/20 में से घटाएंगे 35/20, तो 44 से 35 गया, कितना बचता है? 9। नीचे हर तो समान है ही, 9/20 मिनट ये आंसर आएगा। तो इसका आंसर कहेगा कि मैदान के एक चक्कर लगाने में जयदेव और राहुल में से कौन कम समय लेता है? राहुल कम समय लेता है। और कितना कम समय लेता है? इससे 9/20 मिनट का समय कम लेता है। ये प्रश्न बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई। अब आगे कल मैं आपको नए वीडियो में नए प्रश्नावली समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।